यह जो ओझा है, ओझा से कभी आप नहीं मिले हैं? नहीं, कभी नहीं मिले। जब वो वहाँ के कुछ ग्रामीण ये भी कह रहे थे कि गेहूँ काटने आप गई थी, गेहूँ काटने के दौरान जो है किसी महिला से बातचीत हुआ? किसी महिला से हम बातचीत नहीं किए हैं। वहाँ पे जो है ना, दो तीन गो फूल पान का कुछ मैटर था ना? फूल पान का नहीं, तो उस थी मनोज शर्मा के जो साथ में है ना, ओझा जो जड़े काम करते रहे, तो उसी को हम बोले कि ना, हमको घर वाला ऐसे ऐसे कर रहा है कि आप दीजिए हमारा पान पर की हम खिलाएंगे, तो भी नहीं दिए। और वो भी नहीं दिए ना। और पान आप मांगे थे? हाँ, मनोज शर्मा के जोड़े रहते, काम कर रहे हैं ललित ग्राम में। और मनोज शर्मा के साथ में जो व्यक्ति रहते थे वो भी कहीं ना कहीं ओझा था? हाँ। और उससे आप मांगे थे कि हमको फूल पान पढ़ के दीजिए, हमारे पति जो है मार पीट करता है, हमारे बस में नहीं रहता है, तो वो भी नहीं दिए? हाँ, वो भी नहीं दिए। और वो क्या बोले? कुछ नहीं, नहीं दिए हमको। अच्छा, आप जो यहाँ से बहन के यहाँ गए थे, तो बहन के यहाँ जाने में कोई कठिनाई? कोई कठिनाई नहीं, अपन आराम से। यहाँ से कोई भी मम्मी या मौसी या कोई भी तो कॉल करके बात किए होंगे ना कि वहाँ हम सुरक्षित हैं? हाँ, मौसी से एक दिन बताया, एक दिन पापा से। पापा से भी बतियाए? हाँ। जब आप पापा से बतियाए तो पापा से जब पूछताछ हो रही है तो पापा क्यों नहीं बोले कि कहीं भी है मेरा बेटी सुरक्षित है? उसको बोलना चाहिए ना। पापा से तो लड़ाई हुई ऐसे गाड़ी खातिर, तो ऐसे वो नहीं बोल रहे, उसी को देख के बहुत ताने सुनते हैं। तो फिर तो आपके जो पिताजी हैं वो भी तो उसके ऊपर आरोप लगा रहे थे अपहरण का, मनोज के ऊपर? पता नहीं, हम तो आने वाला थे ना, तब हम दो तीन दिन पहले बताए, उतना दिन से जब आने वाले थे तब। हाँ, इतना। तो जब आप अपने बहन के यहाँ गए तो आपका बहन नहीं बोले कि किसी को बोल के आए हैं कि नहीं बोल के आए हैं? बोले तो हम बता लिए कि हम चुपे लिए, हम किसी को बता के नहीं लिए। तो आपका तो बहन कहा कही होगी ना कि कम से कम घर परिवार में किसी को नहीं बताएं, तो माँ पापा या अभी जो आप मौसी मौसा के यहाँ रह रहे हैं, मौसी मौसा को बता दीजिए। वो बोल रहे कि वो मेरे बहन बोल रहे कि बता दीजिए आप, हम बोल रहे, हम बोल रहे कि हम नहीं बताएंगे किसी को नहीं। ऐसा है? हाँ। तो आप अपने बारे में अब क्या कहना चाहिएगा? जिंदगी ऐसे ही काटिएगा, वहाँ नहीं जाना है, यही ना? मनोज शर्मा के साथ हम नहीं रहेंगे। आप मनोज शर्मा के साथ नहीं रहिएगा? अभी तो वैसे भी हमें सुनाई में आ रहा है कि मनोज शर्मा भी शादी कर रहे हैं, इस पे क्या कहिएगा? मनोज शर्मा शादी कर रहे थे, उसको करने दो, कोर्ट में तो वो तो दिखा है फोटो, वो शादी करने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर ले। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, उसे करने दो शादी। उससे आपको कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं। तो आप जब शादी कर लेगा, अपन आराम से घर में कमाएगा खाएगा, अपना घर में रहेगा आराम से, उसे हमको कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ नहीं रहना है तो डिवोर्स दे देना चाहते हैं, जाके कोर्ट में दे दीजिए। थाना में जब हम जवाब दिए है ना, तो थाना वाला बोल रहे हैं कि जाए आपके घर वाला ऐसे ऐसे कर रहे, तो आप केस कर दीजिए। हम बोले कि नहीं, हम पति के साथ केस नहीं करेंगे। मनोज शर्मा बोल रहे हैं कि नहीं, ये मतलब हम लड़की का जो मार रहे थे ना, तो लड़कियों हमको मार के कपड़ा सब फाड़ दिए है। आप उस हम नहीं रहेंगे उसी के साथ, कोर्ट में कह दीजिए ना। कोर्ट में हम बता दिए हैं सब बात। ऐसे नहीं होता, कर नहीं जमा सकता है कि आप मेरी पत्नी है, ऐसे वो कह नहीं सकता। आप भी नहीं कह सकते उसको कि आप मेरा पति है। डिवोर्स दे दीजिए, जब रहना ही नहीं है तो डिवोर्स दीजिए। क्या दिक्कत? हम सब जवाब दे दिए, तो बोल रहे हैं कि थाना वाले की करने दो उसी को शादी, तो बोल रहे हैं कि केस कीजिएगा आप पति पे, तो हम बोल रहे हैं कि हम केस नहीं करेंगे। केस नहीं करना है? हाँ, केस हमको नहीं करना। वो शादी कर लेगा, इसके बाद हो सकता है आप उसके यहाँ चले जाइएगा, कहिएगा हम भी रहेंगे तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे। नहीं जाइएगा ना? कहीं ना कहीं जो है यह पीड़ित महिला है जो कि मारपीट के दौरान यह भाग गई थी घर से, और अभी यह खुल के बता रही है कि हमें उस घर में बहुत सारा कष्ट हुआ है, दुख हुआ है, पीड़ा हुआ है, और इसके वजह से हम मनोज शर्मा के साथ नहीं रहना चाहते हैं। चाहे हम अपने बेटे का शक्ल देख करके, सूरत देख करके हम अपना ज़िंदगी काट लेंगे, लेकिन अपने पति के साथ हम नहीं रहेंगे।